ये रिश्ते क्या कहलाता है? मैं अरमान और अभीरा की खुशी के खातिर रोहित ने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस तो कर दिया, यानी कि अभीरा अरमान के हवाले तो कर दिया, लेकिन उनका यही सैक्रिफाइस बस कुछ ही लम्हों बाद उन्हें अपने डिसीजन पर पछताने पर वापस से मजबूर करने वाला है। फैंस क्यों? क्योंकि रूही को होश आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं फैंस कि अभीरा हमेशा से दूसरों के साइड रही हैं, उनकी खुशियों की केयर की है अभीरा ने। तो अब जब रूही को आ जाएगा होश और उनकी हेल्थ होगी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, तो क्या अभीरा कुछ ऐसा फैसला ले लेंगी कि जो उनका बीएसपी है, जो एक्चुअली में उनका बीएसपी नहीं है, वो अपने बीएसपी यानी अपने बच्चे को जो रोहित ने उनको दिया है वो वापस से रूही को ही लौटा देंगे, यानी कि उस छोटे से बेबी को उनकी रियल मम्मा तक खुद अभीरा पहुंचाती नजर आने वाली है। साथ ही साथ क्योंकि सबके दिमाग में, यहां तक कि अभीरा के दिमाग में भी यही सच है कि वो उनका बीएसपी है, वो रूही और रोहित का बच्चा नहीं बल्कि अभीरा और अरमान का बच्चा है। तो सच जानने के बावजूद भी कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा जब अभीरा अपने बेबी को रूही को देने की कोशिश करेंगी। देखने वाली बात ये होगी फैंस कि क्या अभीरा जो कुछ टाइम के लिए सही रूही की हेल्थ को देखकर इमोशनल होंगी, क्या अब वही अभीरा का डिसीजन सबके अगेंस्ट जाने वाला है? जाने के लिए स्टॉप इसकी शो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखते रहिए स्क्रिप्ट को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चल रहे हैं।